प्रश्न चल रहे हैं और रीट 3 ट्रैक 39 और अभ्यासार्थ प्रश्न है। अब प्रश्न एक है कि एक वस्तु को 725 रुपये पर बेचने पर लाभ / हानि कितनी होगी यदि रुपये 650 रुपये में खरीदा गया था। 75 रुपये हानि, 75 रुपये लाभ, 125 हानि या 125 लाभ। तो उत्तर होगा इसका हल कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 725 माइनस 650 बराबर 75 रुपये। तो 75 रुपये इसको लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुस्तक जिसका कि क्रय मूल्य 180 रुपये है तो बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य होगा 150 रुपये, 180, 90 रुपये या 145। तो हल होगा इसका कि माना कि विक्रय मूल्य x है, अतः हानि बराबर x/5, अतः प्रश्नानुसार 180 बराबर x प्लस x/5 और बराबर हो गया 80, 180 बराबर 6x/5 बराबर x बराबर 180 इंटू 5/6 बराबर 150 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक पेन को ₹8 में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/3 भाग के बराबर लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य होगा ₹5, ₹7, ₹6, 50 पैसे या ₹6। तो इसका हल होगा कि माना कि क्रय मूल्य x है, अतः लाभ रुपये हो गया x/3, अतः 8 बराबर x प्लस x/3 बराबर 8 बराबर 4x/3 बराबर x बराबर 8 × 3/4 बराबर ₹6। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि एक पंखे का क्रय मूल्य 1050 है, इसे बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर लाभ होता है। तो पंखे का विक्रय मूल्य होगा 1312.50 पैसे, दूसरा 1400 रुपये, तीसरा 1300 रुपये और चौथा 1425 रुपये। हल होगा कि माना पंखे का विक्रय मूल्य x है, अतः लाभ रुपये x/4, अतः x बराबर 1050 प्लस x/4 फिर बराबर x माइनस x/4 बराबर 1050 बराबर हो गया 3x/4 बराबर 1050 बराबर 1050 × 4/3 बराबर ₹1400 आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न पांचवा, एक दुकानदार ने ₹60 में 50 पेंसिल खरीदी तथा उन्हें बेचकर 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक पेंसिल का विक्रय मूल्य होगा ₹1.25, ₹1.35, ₹1.50 और ₹1.65। तो हल होगा कि प्रत्येक पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 60/50 − 10 बराबर 60/40 बराबर ₹1.50। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार ने 10 समान प्रकार के क्रिकेट बैट ₹750 प्रति बैट के हिसाब से खरीदे। पानी में भीगने पर के कारण उसे बैट कम कीमत में बेचने पड़े और यदि उसे दो बैटों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई हो तो प्रत्येक बैट का विक्रय मूल्य होगा 625, 650, 610 या 600। तो हल होगा इसका कि प्रत्येक बैट का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 10 × 750/10 + 2 बराबर 7500/12 बराबर ₹625 आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक फल विक्रेता 200 संतरे ₹2 प्रति संतरे की दर से बेच करके 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य होगा ₹1.50, ₹1.40, ₹1.55 और ₹1.60। हल होगा कि प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो गया 200 × 2/200 + 5 बराबर 400/250 बराबर ₹1.60। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक अखबार डालने वाला प्रत्येक सुबह 500 अखबार डालता है जिनका विक्रय मूल्य ₹3 है, यदि उसे इससे 100 अखबार के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रत्येक अखबार क्रय मूल्य क्या होगा? ₹2, ₹2.50, ₹2.25 या ₹2.75। हल है इसका कि
प्रत्येक अखबार का क्रय मूल्य बराबर हो गया 500 इंटू 3 बटा 500 प्लस 100 बराबर 1500 बटा 600 बराबर 2.50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 16:17 है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत होगी 6%, 5%, 6.25% या 4.25%। हल होगा कि माना कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रमशः 16x व 17x है, अतः लाभ बराबर 17x माइनस 16x बराबर x, अतः लाभ प्रतिशत बराबर x बटा 16x बराबर इंटू 100 बराबर 6.25% प्रतिशत हानि प्रतिशत। और नेक्स्ट है प्रश्न कि जब कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत होगा 20%, 10%, 25% या 30%। हल होगा कि लाभ प्रतिशत में 500 माइनस 400 बटा 400 इंटू 100 बराबर 10, 100 बटा 400 इंटू 100 बराबर 25%। तो इसका आंसर होगा 25%। और नेक्स्ट है प्रश्न, यदि एक फ्रिज 12,000 में खरीद करके 11,160 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत होगी 6%, 7%, 8% या 10%। हल होगा कि हानि प्रतिशत बराबर 12,000 माइनस 11,160 बटा 12,000 इंटू 100 बराबर 840 बटा 120 बराबर 7%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार को 180 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा 10%, 11.11%, 16.67% या 12.5%। तो इसका आंसर होगा लाभ प्रतिशत में 20 इंटू 100 बटा 180 माइनस 20 कोष्टक बंद बराबर 2000 बटा 160 बराबर 12.5% लाभ। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक व्यापारी ने 15 मोबाइल बेचने पर 3 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत होगा 20%, 15%, 25% या 16.67%। इसका हल होगा कि लाभ प्रतिशत में 3 इंटू 100 बटा 15 माइनस 3 बराबर 3 इंटू 100 बटा 12 बराबर 25%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार को 27 चार्जर बेचने पर 3 चार्जर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसके द्वारा उठाई गई हानि का प्रतिशत होगी 10%, 11.11%, 9.09% और 12.5%। तो इसका उत्तर है होगा 10% हानि प्रतिशत में। तो 3/27 + 3 कोष्टक बंद इंटू 100 बराबर 3 × 100/30 बराबर 10% हानि। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुणा हो तो लाभ प्रतिशत होगा 14%, 20%, 120% या 40%। तो इसका हल होगा माना कि क्रय मूल्य x है अतः विक्रय मूल्य बराबर 7x/5 अतः लाभ प्रतिशत हो जाएगा 7x/5 माइनस x और बराबर 5x/x इंटू 100 फिर 7x माइनस 5x/5 बराबर 5x इंटू 100 बराबर 2x/5x इंटू 100 बराबर 40% उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा 9/1/11%, 20%, 15% या 11/1/9%। तो इसका हल होगा कि वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर 10/100 माइनस 10 इंटू 100 बराबर हो गया 1000/90 बराबर 11/1/9%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत होगी 16/2/3%, 16/1/3% और 12/2/3% और 8/1/3%। तो इसका हल हो जाएगा कि वास्तविक हानि प्रतिशत हो गया बराबर 20/100 प्लस
बीस बराबर इंटू सौ बराबर हो गया 2000 बटा 120 बराबर 16 सही 2/3%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक व्यापारी को एक सौदे में 15% का लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर होगा 12.5%, 13.1 13 सही 1/23% और तीसरा 11 सही 2/13% और चौथा 17.5%। तो इसका हल होगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर 15/100 + 15 × 100 = 1/15 = 13 सही 1/23%। फिर नेक्स्ट प्रश्न 19 के एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत होगी 9 सही 1/9%, दूसरा 9 सही 1/11%, तीसरा 11 सही 1/9% और चौथा 11 सही 1/11%। तो इसका उत्तर है, जो हल होगा वह है कि विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर 10/100 - 10 × 100 = 1000/90 = 11 सही 1/9%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार एक कूलर को 2400 में बेच करके 20% का लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ ज्ञात करो, 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये या 800 रुपये। तो इसका हल हो जाएगा कि CP बराबर 100 × 2400 / 200 + 20 = 100 × 2400 / 120 = 2000। अतः लाभ बराबर 2400 / 2200 रुपये और 400। और नेक्स्ट है प्रश्न किस कि एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 15% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य होगा। इसका उत्तर है कि लाभ बराबर 700 × 15/100 = 105। अतः क्रय मूल्य बराबर हो गया 700 - 105 = 595 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु को ₹88 में बेचने पर 10% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 72 रुपये, 80 रुपये, 96.80 रुपये और 88 रुपये। तो इसका हल हो जाएगा कि टाइप थर्ड के क्वेश्चन CP बराबर 100 × 88 / 100 × 10 = 100 × 88 / 110 = 80 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक सिलाई मशीन को ₹810 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, 900 रुपये, 729 रुपये और 990 रुपये और 891 रुपये। तो इसका हल होगा कि CP बराबर 100 × 810 / 100 - 10 कोष्टक बंद बराबर 100 × 810 / 90 = 900 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक किसान ने एक गाय को ₹1008 में बेच करके 5% लाभ अर्जित किया तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, 960, 1058, 958 और 980 रुपये। तो हल होगा इसका कि CP बराबर 100 × 1008 / 100 + 5 = 100 × 1008 / 105 = 960 रुपये उत्तर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक जमीन जींस को ₹570 में बेचने पर 5% हानि होती है तो जींस का क्रय मूल्य क्या होगा, 605, 542, 600 या 513। तो इसका आंसर हो जाएगा, हल करेंगे 100 × 570 / 100 - 5 = 100 ×
570 बटा 95 बराबर 600 रुपये आंसर। और नेक्स्ट है प्रश्न 26 कि यदि किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीद कर 15% लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 952.50, 722.50 और फिर 977.50। तो हल करेंगे इसका कि एस पी बराबर 100 प्लस 15 इंटू 850 बटा 100 बराबर 115 इंटू 850 बटा 100। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि रमेश ने एक पुराना स्कूटर 9500 में खरीदा था तो उसे 5% हानि उठाकर बेच दिया तो स्कूटर का विक्रय मूल्य होगा 9975, 9047.5 और तीसरा 9025 और चौथा 1000। हल होगा इसका कि टाइप थर्ड से एस पी बराबर 100 माइनस 5 इंटू 9500 बटा 100 बराबर 9500 बटा 10। तो नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि अनूप ने एक पुराना टीवी रुपये 7500 में खरीदा था उसे 10% लाभ उठा करके मुकेश को बेचा तो मुकेश ने टीवी कितने में खरीदा था? 8500, 8775, 8825 और 8725। तो हल होगा इसका कि मुकेश का क्रय मूल्य ओब्लिक अनूप का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस 17 इंटू 7500 बटा 100 बराबर हो गया 117 इंटू 7500 बटा 100 बराबर 8775 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न 30 कि एक वस्तु को 55 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य होगा 46 रुपये, 45 रुपये, 40 रुपये या 42 रुपये। तो हल हो जाएगा कि माना क्रय मूल्य रुपये एक्स है तो लाभ प्रतिशत होगा, अतः सी पी बराबर एक्स बराबर 100 प्लस 56 बटा 100 प्लस वाई 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5600, एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 5600 बराबर 0, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 40 एक्स बराबर माइनस 5600 बराबर 0। और फिर नेक्स्ट आगे है कि एक्स एक्स प्लस 140 माइनस 40 कोष्टक में एक्स प्लस 140 बराबर 0, फिर आगे है एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 140 बराबर 0, अतः एक्स बराबर 40 या एक्स 100 माइनस 140 उत्तर। चूंकि वस्तु का क्रय मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है अतः क्रय मूल्य 40 रुपये। और वैकल्पिक विधि विकल्प 4 पर आधारित है। विकल्प 1 के अनुसार विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 46 इंटू 46 बटा 100 बराबर 67.16 बराबर 56 रुपये। विकल्प 2 के अनुसार विक्रय मूल्य 100 प्लस 45 इंटू 45 बटा 100 बराबर हो गया 65.25 56। विकल्प 3 के अनुसार विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 40 इंटू 40 बटा 100 बराबर 56 रुपये, अतः विकल्प 3 इसमें सही है। तो क्रय विक्रय मूल्य वाला टॉपिक, तो इसमें प्रश्न था कि एक वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान सम्मान है तो लाभ होगा 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 64 रुपये। तो इसका हल है कि क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य का या लाभ प्रतिशत भी नहीं पूछा गया है, अतः विक्रय अतः विकल्प जांच विधि यहाँ
प्रयोग नहीं की जा सकती है। माना कि क्रय मूल्य एक्स है तो लाभ प्रतिशत भी एक्स होगा। अतः सीपी बराबर एक्स माइनस 100 इंटू 144 बटा 100 प्लस एक्स बराबर हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14,400। फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x बराबर 14,400 बराबर 0 बराबर एक्स एक्स प्लस 180 माइनस 80 एक्स प्लस 180 बराबर 0 और एक्स माइनस 80 एक्स प्लस 180 बराबर 0। अतः एक्स 80 या फिर एक्स बराबर 180 ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार्य। अतः क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये। अतः लाभ बराबर 144 माइनस 80 बराबर 64 रुपये। इस तरह हल होगा ये। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक बाल को रुपये 24 में बेचने पर क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य होगा 40 रुपये, 60 रुपये, 40 या फिर 60 रुपये या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका हल होगा कि माना कि क्रय मूल्य x है तो हानि x प्रतिशत होगी। अतः सी पी बराबर x बराबर 100 इंटू 24 बटा 100 माइनस x। तो 100x एक्स स्क्वायर बराबर 2400, एक्स स्क्वायर 100x प्लस 2400 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 60x 40x प्लस 2400 बराबर 0 और x माइनस 60 माइनस 40 x माइनस 60 बराबर 0 और x माइनस 40 x माइनस 60 बराबर 0। अतः x बराबर 40 या x बराबर 60। अतः बाल के दो क्रय मूल्य हो सकते हैं 40 रुपये या फिर 60 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु को रुपये 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 20% लाभ हो। 960, 880, 866 या 640। तो इसका उत्तर होगा कि हल करेंगे अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 20 बटा 100 माइनस 10 इंटू 720 बराबर 120 इंटू 720 बटा 90 रुपये हो गया 960 रुपये में। नेक्स्ट है 33 प्रश्न कि यदि एक मेज को 2400 से 15 रुपये में बेचने पर 5% लाभ होता है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा और जबकि 10% हानि उठानी पड़े। 2530, 2185, 2156.50 और 2070। तो इसका हल होगा कि अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 5 इंटू 2415 बराबर हो गया 90 बटा 105 इंटू 2415 बराबर 2070 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि एक कुर्सी को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितनी और अधिक कीमत पर बेचा जाए कि हानि घटकर 10% रह जाए। 1080, 1200, 120 या 240। हल करेंगे नया विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 माइनस 10 बटा 100 माइनस 20 इंटू 960 बराबर 90 बटा 80 इंटू 960 बराबर 1080। अतः अधिक कीमत बराबर 180 माइनस 960 बराबर 120 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक पेन को 8 रुपये में बेचने पर 60% लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 80% लाभ हो। 4 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये या 9.50 रुपये। तो हल होगा कि अभिष्ट विक्रय मूल्य हो गया बराबर 100 प्लस 80 बटा 100 प्लस 60 इंटू 100 बराबर 180 बटा 160 इंटू 8 बराबर 9 रुपये, 9 रुपये में बेचा जाए। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार को रुपये 1 में बटन बेचने पर 20% लाभ होता है तो 20% हानि के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए, 12 बटन, 11 बटन, 10 बटन या 9 बटन। तो इसका उत्तर होगा नया विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 25 बटा 100 माइनस 15 इंटू 3570 बराबर 75/85 इंटू 3570 बराबर हो गया 3150 रुपये। और अतः विक्रय मूल्य में कमी 3570 माइनस 3150 बराबर 420 रुपये। तो ये था नेक्स्ट जो प्रश्न का हल किया मैंने वो 36 था।
कि एक मोबाइल को 3570 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना कम किया जाए कि हानि बढ़कर 25% हो जाए। तो इसका मैंने अभी हल पहले बोल दिया, तो इसका उत्तर था 420 रुपये। और जो पहले था कि एक पेन को 8 रुपये में बेचने पर 60% लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए तो 80% लाभ हो, 4 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये 50 पैसे। तो इसका हल हो जाएगा 100 प्लस 80 बटा 100 प्लस 60 इंटू 8 बराबर 180 बटा 60 इंटू 8 बराबर 9 रुपये में। अब है नेक्स्ट प्रश्न 37। एक दुकानदार को 1 रुपये में 8 बटन बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 20% हानि के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए, 12, 11, 10 या 9 बटन। इसका हल है कि 1 बटन का विक्रय मूल्य हो गया 1/8, अतः अभीष्ट विक्रय मूल्य हो गया बराबर 100 माइनस 20 बटा 100 प्लस 20 इंटू 1/8 बराबर 80 बटा 120 इंटू 1/8 बराबर 1/12, अतः उसे 1 रुपये में 12 बटन बेचने चाहिए। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ कि 81 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, 10% लाभ, 15% हानि, 10% हानि या ना लाभ ना हानि। तो इसका हल करेंगे कि 81/72 × 100 -20 कोष्टक बंद -100, फिर 9/8 × 80 -100 बराबर 90 - 100 बराबर -10%, अतः ₹81 में बेचने पर 10% की हानि होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार 100 रुपये में 70 गेंदे बेचता है, तो उसे 12.5% का लाभ होता है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे ₹100 में कितनी गेंदे बेचनी चाहिए, 60 गेंदे, 75 गेंदे, 63 गेंदे या 55 गेंदे। तो इसका आंसर होगा कि एक गेंदबाज का विक्रय मूल्य हो गया 100 बटा 70 बराबर 10/7, अतः अभीष्ट विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 25 बटा 2 × 10/7, अतः बराबर हो गया 125 बटा 225 बटा 2 × 10/7 बराबर 250 बटा 225 × 10/7, 10/9 × 10/7 बराबर 100/63, अतः उसे 100 रुपये में 63 गेंदें बेचनी चाहिए। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक कैलकुलेटर को ₹138 में बेचने पर 15% लाभ होता है, तो बताओ ₹126 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, 5% हानि, 10% लाभ, 3% हानि या 45% लाभ। इसका हल होगा अभीष्ट प्रतिशत हो गया 126/138 × 100 + 15 - 100, फिर 126/138 × 115 कोष्ठक बंद -100 = 105 - 100 = 5%, अतः ₹126 में बेचने पर 5% लाभ होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक फल विक्रेता ने ₹2 में 4 केले की दर से केले खरीदे, उस ₹6 में 10 केले की दर से केले बेचे, तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा, 20% हानि, 20% लाभ, 25% हानि या 25% लाभ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहेंगे हल कि एक केले का क्रय मूल्य हो गया बराबर 2/4 बराबर ₹0.5, एक केले का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 6/10 = 0.6, अतः लाभ प्रतिशत हो गया 0.6 - 0.5/0.5 × 100 अब बराबर हो गया 0.1/0.5 × 100 = 20%। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि एक फल विक्रेता ने ₹3 में 2 संतरे की दर से संतरे खरीदकर ₹2 में 3 संतरे की दर से संतरे बेचे, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत होगा, 50% लाभ, 45.45% लाभ, 44.44% हानि, 55.55% हानि। तो इसका हल करेंगे कि संतरे का क्रय मूल्य हो गया
रुपये 3/2, एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 2/3, अतः हानि प्रतिशत हो गई 3/2 माइनस 2/3 और बटा हुआ 3/2 इंटू 100 बराबर हो गया 9 माइनस 4/6 इंटू 100 इंटू 2/3 बराबर 1000/18 बराबर 55.55% हानि हुई। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार ने मैं 5 दीपक की दर से दीपक खरीदकर 25% लाभ अर्जित कर उन्हें बेच दिया, तो उसने दीपक किस दर से बेचे? ₹1/4, ₹1/3, ₹1/6, ₹1/2। इसका हल होगा कि दीपक का क्रय मूल्य हो गया ₹1/5, अतः एक दीपक का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100+25 इंटू 1/5/100, फिर बराबर हो गया 125 इंटू 1/100 इंटू 5 बराबर 1/4, अतः उसने ₹1/4 दीपक बेचे। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक मोबाइल फ़ोन को ₹8,750 में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि 10,250 में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका है 9,250, 9,400, 9,500 या 9,750। तो इसका हल हो जाएगा कि क्रय मूल्य 8,750 प्लस 10,250 बराबर 19,000/2 रुपये 9,500 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न, एक दुकानदार ने 10 दर्जन पेन ₹720 में खरीदे, वे प्रति पेन किस कीमत से बेचे ताकि 20% का लाभ हो? ₹6.50, ₹6.60, ₹7 या ₹7.20। हल होगा कि एक पेन का क्रय मूल्य हो गया 720/10 इंटू 12 बराबर ₹6, अतः एक पेन का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100+20 इंटू 6/100 बराबर 120 इंटू 6/100 बराबर ₹7.20। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो ₹90 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 450, 900, 600 या 1200। तो हल होगा इसका कि अभीष्ट क्रय मूल्य हो गया 90/10+5 इंटू 100 बराबर 90/15 इंटू 100 बराबर ₹600। और नेक्स्ट है प्रश्न, किसी वस्तु को 20% तथा 15% के लाभों पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर ₹40 है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा ₹400, 480, 800 या 600। तो इसका हल हो जाएगा, अभीष्ट विक्रय मूल्य हो गया 40/20-15 इंटू 100 तो बराबर हो गया 40/5 इंटू 100 बराबर ₹800। और नेक्स्ट है अब प्रश्न कि एक कुर्सी को ₹1,200 में बजाय ₹1,300 में बेचने पर लाभ 10% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1,300, 1,200, 1,000 या 1,250। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अभीष्ट क्रय मूल्य हो गया 1,300-1,200/10 इंटू 100, 100/10 इंटू 100 बराबर ₹1,000। और नेक्स्ट प्रश्न, यदि 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी? 20% लाभ, 7/1/2% लाभ या 6% हानि या 12% हानि? तो इसका हल होगा, अभीष्ट प्रतिशत हो गया बराबर 12-10/10 इंटू 100 बराबर 2/10 इंटू 100 बराबर 20%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी? 12.5% लाभ, 20% लाभ, 15% हानि या 25% हानि? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा कि टाइप, अभीष्ट प्रतिशत हो गया 24-20/20 इंटू 100 बराबर 20, अतः 20% का लाभ होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक दुकानदार द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹1,980 में बेचने पर उसे पहली पर 15% लाभ तथा दूसरी पर 15% हानि होती है। दुकानदार द्वारा पूरे सौदे में अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत है
2.25% हानि, तो 3% हानि, 2% लाभ, ना लाभ ना हानि। तो इसका हल होगा कि कुल हानि प्रतिशत बराबर हो गया 15/10 स्क्वायर बराबर 1.5 स्क्वायर बराबर 2.25% हानि। और नेक्स्ट है प्रश्न, रुपये 9,000 प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया, यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है तो दोनों वस्तुओं का मिलाकर के क्रय मूल्य होगा 19,250, 19,000, 18,750 रुपये, 17,650। तो इसका हल होगा कुल हानि प्रतिशत हो गया 20/10 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर बराबर 4%, कुल विक्रय मूल्य हो गया 2 × 9,000 बराबर 18,000, अतः कुल विक्रय मूल्य हो गया आपका 100 × 18,000 / 100 - 4 बराबर 100 × 18,000 / 96 बराबर 18,750 रुपये।